गुड मॉर्निंग बेटा, हमारा आज का टॉपिक है, कल मैंने आपको स्पीड करवाई थी, तो स्पीड में मैंने आपको करवाई थी यूनिफॉर्म स्पीड, देन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरिएबल स्पीड, देन इक्वल डिस्टेंस बट अनइक्वल टाइम, और अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल टाइम। फिर हमने उस वेरिएबल स्पीड की एवरेज निकाली थी, उसमें दो केस थे, इफ डिस्टेंस इक्वल एंड टाइम अनइक्वल देन एवरेज स्पीड इज़ 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, इफ टाइम सेम बट डिस्टेंस डिफरेंट देन एवरेज स्पीड इज v1 प्लस v2 बाई 2। आज हम करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल टाइम। क्या होता है इंस्टेंट को भी? स्मॉल टाइम, क्षण भर बोलते हैं जिसको हम, स्मॉल इंटरवल। तो कहते हैं किसी भी पार्टिकल की किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी क्षण भर टाइम पे, यानी कि जस्ट ए व्हाइल ऑफ टाइम पे क्या होगी जो स्पीड होगी, वो क्या कहलाएगी? उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब जो टाइम इंटरवल था जिसके लिए हम स्पीड कैलकुलेट की, तो वो बहुत छोटा हो जाए, तो एक इंस्टेंट के लिए स्पीड आ जाएगी ना, तो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हेन टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल, इंटरवल गैप उसके बीच का बहुत नियरली जीरो ही हो जाए, तो क्या होगा वो एग्जैक्ट उस इंस्टेंट पे क्या होगी जो स्पीड होगी, वो क्या कहलाएगी? हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या कहें हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस इंस्टेंट पे, टाइम के उस इंस्टेंट पे, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और द पर्टिकुलर पॉइंट एट विच इस पाथ, और या फिर या तो उस इंस्टेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि उस पॉइंट को जो पार्टिकल क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे जो उसकी स्पीड है वो भी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। या तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए या कोई पर्टिकुलर पोजिशन हो, और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ क्लियर बेटा? इसके लिए क्या नेसेसिटी होती है फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड? फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। टाइम इंटरवल बिल्कुल छोटा होना चाहिए बेटा, लाइक कितना छोटा कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इतना छोटा इंटरवल, टी टू माइनस टी वन बहुत कम होगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बन जाएगा। तो क्या होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड? वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, देखो एक बार, वी सिंपली क्या होती है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी सिंपली क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डेल्टा एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकर, यही होता है। कहता अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए तो क्या बन जाएगी? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। इफ लिमिट डेल्टा टी टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो हम क्या लिखेंगे फिर इसी को? वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। क्या बन जाएगी वी इंस्टेंटेनियस? डी एस बाई डी टी। ये हमारे पास होती है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्लियर हुआ सभी का? देखो इसका एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। हमने क्वेश्चन गिवन लिया बेटा कि ऑन ए 80 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है कितने किलोमीटर का? 80 किलोमीटर का, ए से बी 80 किलोमीटर। ए ट्रेन ट्रेवल 40 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर यानी कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट, ये भी 40 किलोमीटर हो गया और ये भी रिमेनिंग भी कितना बचा? 40 किलोमीटर। इस 40 के लिए हमें V1 गिवन दे दिया 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा? V1 है 30 किलोमीटर पर आवर।
हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 40 किलोमीटर, यानी कि ये नेक्स्ट 40 किलोमीटर वी टू किस स्पीड से ट्रेन ट्रेवल करे, सो एज टू हैव एवरेज स्पीड, कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा क्या सेम है इस टाइम हमारा डिस्टेंस, और जब भी डिस्टेंस सेम होता है व्हेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, जब सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल हो, डिफरेंट स्पीड्स v1 एंड v2, देन v एवरेज इज इक्वल्स टू 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो किससे ट्रेवल करती है वो, एवरेज स्पीड कितनी होती है उसकी, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब हमारे पास गिवन है वी एवरेज, कितनी दे रखी वी एवरेज बेटा हमें, 40 किलोमीटर पर आवर। v1 कितना दे रखा था, 30 किलोमीटर पर आवर। v2 आपको कैलकुलेट करना है, हम रख सकते हैं वैल्यू, वी एवरेज दैट इज 40, 2 इंटू v1 दैट इज 30, v2 हमें कैलकुलेट करना है अपॉन v1 30 प्लस v2। क्लियर बेटा, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 2 2 4, दैट इज 2 इंटू 30 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 3v2 इज इक्वल्स टू 3v2 दैट इज 60 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 3v2, 2v2 इधर भेजा माइनस का, 3v2 माइनस v2, v2 इज इक्वल्स टू 60। सो स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर नेक्स्ट 40 किलोमीटर v2 इज 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी होनी चाहिए वो, 60 किलोमीटर पर आवर। v1 कितनी थी, 30, v2 कितनी है, 60, एवरेज कितनी आई फूड जर्नी के लिए उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से बेटा आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन एक बार वेलोसिटी का कंसेप्ट भी हम साथ में लेके चलेंगे, फिर चाहे स्पीड पूछे या वेलोसिटी पूछे, सेम पॉइंट्स होंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो फिर हम साथ में कर लेंगे सारे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरा वेलोसिटी। क्या होती है वेलोसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस के लिए वेक्टर क्वांटिटी क्या ली थी हमने, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। क्या होती है वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टेकन बाय ऑब्जेक्ट। ये क्या होगी हमारे पास वेलोसिटी। तो क्या आया बेटा हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। लेट पार्टिकल इज इनिशियली एट x1, लेट पार्टिकल एट टाइम t1 इज एट पॉइंट x1, एट टाइम t2 पार्टिकल इज एट पॉइंट x2। पार्टिकल कहाँ पे आ गया, x2 पे, देन वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम टेकन t2 माइनस t1। तो क्या है हमारे पास वेलोसिटी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा डायरेक्शन का इफेक्ट होगा। डायरेक्शन क्या कहें हम, अगर ओरिजिन से जैसे हमने यहीं पे देखा, हम किस में गए हैं, x2 की तरफ गए थे, x2 बड़ा है x1 से, वेलोसिटी कैसे आई, पॉजिटिव। अगर हम x1 से ओरिजिन की तरफ जाते तो x2 क्या होता, छोटा, वेलोसिटी कैसे आती, नेगेटिव। और अगर पार्टिकल x पे ही रहता तो वेलोसिटी रेस्ट पे ही रहता, वेलोसिटी क्या रहती है हमारे पास, जीरो। तो क्या कहें हम,
इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. एक तरह से इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, स्पीड के इक्वल. कि स्पीड क्या होती है, स्केलर. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा बेटा, स्पीड के इक्वल एंड डायरेक्शन. ये कहता है वेलोसिटी जब डायरेक्शन का इफेक्ट है तो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. सो इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. एग्जांपल लिया मैंने, ये ओरिजिन है. पार्टिकल अगर x1 से x2 पे गया है देन वी पॉजिटिव. पार्टिकल x1 पे ही रहा, x1 x2 दोनों क्या है, सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो मोशन, दैट इज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. ये ओरिजिन है. पार्टिकल x1 से x2 पे आया है देन v इज नेगेटिव. तो इस तरह से वेलोसिटी डायरेक्शन का इफेक्ट है, स्पीड में डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं था क्योंकि चाहे इधर जाए हम इधर जाए हमारा सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड. तो क्या आई थी हमेशा, पॉजिटिव और जीरो, बट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ये हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी. अब हम निकालेंगे इसकी यूनिट. क्या होगी बेटा वेलोसिटी की यूनिट, एसआई यूनिट. क्या होगी बेटा एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी की एसआई यूनिट होगी क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड. तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड. सीजीएस यूनिट डिस्टेंस, अब सीजीएस यूनिट फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सीजीएस में डिस्टेंस किस में होता है, सेंटीमीटर में, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब हम निकालेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. क्या होती है वेलोसिटी फिर से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट एल टाइम टी, दैट इज एल टी माइनस वन. क्या होगा हमारा, एल टी माइनस वन. क्लियर बेटा. इस तरह से हमने किया था वेलोसिटी के बारे में. अब हम पढ़ेंगे बेटा मोशन के बारे में, मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म. उससे पहले एक बार इस वेलोसिटी के टाइप्स डिस्कस कर देते हैं, बहुत इजी आपको स्पीड समझ में आई हुई है. फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मैंने आपको क्लियर कर रखा बेटा यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम और कॉन्स्टेंट. किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी किसी जो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे. अगर हर टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहे, सेम, या हर डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम इंटरवल क्या रहे, सेम, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम और कॉन्स्टेंट. उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म वर्ड मैंने आपको कल भी क्लियर किया था, जैसे आपकी ड्रेस यूनिफॉर्म होती है एक जैसी. यूनिफॉर्म इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई पार्टिकल टाइम के साथ इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी. वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती बेटा. वेरिएबल वर्ड का मतलब ही क्या होता है, चेंज. यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम, कॉमन. तो वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है,
जब इक्वल टाइम इंटरवल के साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, यानी कि या तो ये कहें इक्वल डिस्प्लेसमेंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, हर टाइम इंटरवल एक्स टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स एक्स थ्री माइनस एक्स टू एक्स, तो टाइम इंटरवल क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या थी सेम, और टाइम इंटरवल भी क्या हो जाए सेम, तो वेलोसिटी क्या होगी यूनिफॉर्म। लेकिन अगर टाइम इंटरवल इक्वल हैं, सॉरी बेटा डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल्स क्या हैं सेम, बट टाइम क्या हो जाए डिफरेंट, टाइम क्या हो जाए डिफरेंट, तो वेरिएबल वेलोसिटी होगी हमारे पास, यानी कि अलग अलग वेलोसिटी होगी अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए। क्लियर, क्या कहें हम, वेलोसिटी इज सेट टू वेरिएबल इफ आइदर इट्स स्पीड चेंज विद टाइम और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज विद टाइम, या तो पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए मोशन के, या दोनों ही चेंज हो जाएं। अगर जरूरी नहीं है पार्टिकल इधर जा रहा है तो इधर ही जाता रहे, अगर वो इधर जा रहा है लेकिन सेम डिस्टेंस इधर डिस्प्लेसमेंट इधर ट्रैवल कर जाए तो भी वेलोसिटी क्या होगी डिफरेंट, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई चेंज हो गई। तो क्या कहें हम, या तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए टाइम के साथ, तो क्या हो जाएगी वेरिएबल वेलोसिटी। क्या कहें हम, वेलोसिटी इज सेट टू बी वेरिएबल वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल इफ आइदर इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड, चेंज विद टाइम, स्पीड चेंज कैसे होगी बेटा, जब एक डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट विद सेम इंटरवल और सेम डिस्प्लेसमेंट विद डिफरेंट टाइम इंटरवल, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए और चेंज इन डायरेक्शन, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज विद टाइम, कोई भी एक चेंज आ जाए तो बेटा हम क्या कहेंगे, हमारी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। क्लियर बेटा, अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, वही होगी एवरेज वेलोसिटी जैसे एवरेज स्पीड निकाली थी। क्या होगी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या कहलाएगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं हम वी एवरेज को। अगर इनिशियल पॉइंट क्या आपका एक्स वन, फाइनल पॉइंट क्या आपका एक्स टू, सो एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टाइम टेकन टी टू माइनस टी वन, क्या बन जाएगी वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। क्लियर बेटा, सभी का क्लियर। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या कहलाएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी कि व्हेन टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो देन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इसी भी इंस्टेंटेनियस को हम क्या लिख देते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डिफ्रेंशिएशन की तरह डी एक्स वाई डी टी, सो वी इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगी हमारे पास डी एक्स वाई डी टी। क्लियर बेटा, एक क्वेश्चन लिया हमने यहीं पे, ए साइक्लिस्ट क्या है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, एक साइक्लिस्ट है बेटा वो किसी सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऑफ रेडियस 200 मीटर, यानी कि सर्कुलर ट्रैक की रेडियस गिवन है हमें, रेडियस आर इज इक्वल्स टू 200 मीटर, कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 5 मिनट,
एक फुल रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कितना लिया उसने, 5 मिनट। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज 5 मिनट। 5 मिनट के हमने बना दिए सेकेंड, 5 × 60 सेकेंड। वट इज़ हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रही हूँ बेटा। वो जहाँ से चला था वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वहीं पे आ गया, ए पॉइंट से चला था और ए पे ही वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए। सो वेलोसिटी क्या होगी उसके, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। क्यों हुई वेलोसिटी जीरो? वेलोसिटी होती है एस बाई टी, हेयर एस इज जीरो, सो वी इज जीरो। क्लियर? बिकॉज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो वेलोसिटी इज जीरो। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, वी एवरेज क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो वन कंप्लीट साइकिल में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 2πr। अपॉन टाइम कितना लिया उसने, टी। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, वी एवरेज। ये क्या आई हमारे पास, स्पीड। क्या ये एवरेज स्पीड, 2πr अपॉन टी। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस 200 मीटर, टाइम टेकर 5 × 60। सोल्व कर देंगे हम, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2 × 3.14 × r 200 अपॉन टी 300। तो किसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, एवरेज स्पीड की, और ये आ जाएगा आपका 4.19 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।